Hello everyone, here is Rahul Rao from Horticulture Rejuvenation. Today I am here with this Bengalia plant and one of the most wonderful plants in my deck. And एक खास बात मैं इसकी बताना चाहूँगा कि आप इसे बॉन्साई में कन्वर्ट कर सकते हैं. ये अरेलिया सी एफ फैमिली से बिलोंग करता है. इसका जेनस है पॉलिसी एस और इसका क्लोज ट्रैक स्पीशीज है फ्यूटिकोसा, जिसे मिंग अरेलिया भी बहुत बहुत फेमस है. ये प्लांट अगर आप एक वे में देखें हाउस प्लांट में, क्योंकि ये एक खास चीज़ ये है इसकी कि ये ब्राइट सनलाइट में बहुत अच्छे से रह लेते हैं, इनडायरेक्ट सनलाइट में बहुत अच्छे से रह लेते हैं. तो ये कहीं ना कहीं एक हाउस प्लांट है जहाँ पे जिनको ज़्यादा लाइट नहीं चाहिए रहता है, डायरेक्ट सनलाइट अवॉइड करना है समर्स में. तो हम पूरी इसकी केयरिंग जानते हैं, आइए देखते हैं इसकी केयरिंग कैसे करना है. हम जब सनलाइट की बात करें तो इसे आई वॉज सेइंग कि इसे आप ब्राइट सनलाइट में रखिए, इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए. तो जैसे विंटर से चालू करें तो आप विंटर्स में इसमें 2-3 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट भी दे देते हैं तो चल जाते हैं. मोस्टली आप इवनिंग की दें या फिर मॉर्निंग की दें. उसके बाद आते हैं हम स्प्रिंग में आए या फिर ऑटम में आए, तो आई विल सजेस्ट दैट आप अवॉइड करिए इन्हें डायरेक्ट सनलाइट देना. समर में तो बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है, इन्हें डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है. इनडायरेक्ट सनलाइट की बात करें तो 2-4 घंटा या 5 घंटा डायरेक्ट इनडायरेक्ट सनलाइट में रह लेते हैं, चाहे विंटर्स हो चाहे समर्स हो. तो एक चीज़ है कि आपको समर में इन्हें डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, ब्राइट सनलाइट दीजिए या फिर इनडायरेक्ट सनलाइट दीजिए. इनडायरेक्ट सनलाइट इज़ गुड फॉर दिस प्लांट एंड आई से दैट 2-4 आवर्स आप इनडायरेक्ट सनलाइट दीजिए, क्योंकि एक सनलाइट है कुछ प्लांट्स को इम्पॉर्टेंट रहता है फॉर देयर गुड ग्रोथ. तो इसे तो उतना ही मिलता रहा है. तो क्योंकि एक चीज़ होती है, अगर कुछ प्लांट को आप सही सनलाइट नहीं देंगे तो वो ग्रोथ उतने अच्छे से नहीं करते हैं, आपको फॉलिएज उतना नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये फॉलिएज वाला प्लांट है. तो यू हैव टू मेंटेन दैट फॉलिएज, क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि इसकी फॉलिएज कितनी सही से है. यहाँ पे नीचे से पूरी बड़ी है, चारों तरफ से बड़ी है, उस साइड में उतनी नहीं है क्योंकि वो थोड़ा शेड में रहता है. बिकॉज यू हैव टू फाइंड द प्लेस फॉर योर प्लांट ऑल्सो, क्योंकि आपके पास बहुत सारे प्लांट है तो कई बार एक एग्जैक्ट प्लेस ढूंढना कि उन्हें क्या एनवायरनमेंट चाहिए वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है. कई बार चल जाता है, थोड़ा बहुत सनलाइट नहीं मिलता है, तो फिर भी ऐसा नहीं है बिल्कुल फॉलिएज गॉन है उस साइड से, है पर कम है. तो वन ऑफ द रीज़न आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज़ ये थोड़ा आप देख रहे होंगे थोड़ा सा झुलसा रहा है. आई एम गोना प्रून दिस प्लांट, अभी तक प्रून नहीं किया है. थोड़ा बहुत लीव्स अपने आप शेड होते रहता है. तो आई एम गोना प्रून दिस प्लांट. जैसे मॉनसून एंटर कर गया है, जून है, और एक और चीज़ है कि मैं इसकी रिपोर्टिंग भी करूँगा. क्योंकि एक चीज़ जैसे बॉन्साई प्लांट है मैं बोल रहा हूँ, तो यू हैव टू प्र्यून एंड रिपॉट द प्लांट इफ़ यू वॉन्ट योर प्लांट टू कन्वर्ट इन टू बॉन्साई, बिकॉज द ट्रंक साइज विच इज़ गोइंग टू टेक. एंड क्योंकि एज पर ये प्लांट थोड़ा एज ओल्ड होगा, इन्हें वो केयरिंग चाहिए, क्योंकि रूट बॉन्ग कहीं ना कहीं इसका हो गया है, क्योंकि दो प्लांट मैंने एक साथ लगाया हुआ है. तो आप तो एक चीज़ है कि मैं इसकी रिपोर्टिंग करने वाला हूँ अभी मॉनसून में, प्र्यून भी करूँगा. तो प्र्यूनिंग करने के बाद कुछ दिन बाद रिपोर्टिंग करूँगा. तो एक चीज़ है, इसको मेंटेन करना है, बॉन्साई में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको ये कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे. कुछ प्लांट्स को हम कई बार पहले ही रिपोर्ट कर लेते हैं, तो इसको तो मैं करीब 3 साल हो गया है 3 फीट साइज़ ले लिया है. ये बहुत ज़्यादा भी बढ़ते नहीं हैं, 3 फीट साइज़ ले लिया है और कॉन्स्टेंट ही रहता है. यहाँ पर एक मैंने एक प्र्यून किया है एक पार्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉल हो रहा था ये प्लांट. तो एक कांस्टेंट हाइट में रहते हैं, तो फॉर क्योंकि अभी उतना अपीयरेंस में उतना मज़ा भी नहीं आ रहा है, तो मैं इसे थोड़ा प्यून भी करूँगा और फिर रिपोर्ट भी करना है. तो आपको मैं इसका क्लोज़र लुक दिखाता हूँ. ये देख रहे होंगे आप, इसकी जो ट्रंक है वो इट इज़ टेकिंग साइज एंड इट इज़ गेटिंग थिकर. जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि ट्रंक साइज़ काफ़ी साइज़ ले लिया है, गेटिंग थिक. तो एक पार्ट है इसकी फॉलिएज भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से निकला है. ये वाला जो पार्ट है वो थोड़ा
शेड में रहता है, नहीं ज़्यादा सनलाइट मिलती नहीं, तो ये थोड़े से यहाँ पे फॉलीज कम है, फिर भी फॉलीज हैं, यू हैव टू फाइंड स्पेस फॉर योर प्लांट्स ऑल्सो, तो आप एक सूटेबल स्पेस ले के रख लीजिए प्लांट को। वैसे सामने से भी, यहाँ से भी कुछ बुरे नहीं दिख रहे हैं, अच्छे ही दिख रहे हैं, तो यू कैन फाइंड राइट प्लेस फॉर योर प्लांट। इसकी वाटरिंग की बात करें तो आई स्टार्ट फ्रॉम विंटर, इन्हें विंटर्स में आप 1 इंच चेक करके दीजिए वाटर मॉइस्चर लेवल इसका, अगर सॉगी है तो मत दीजिए, ड्राई हो जाए तो दीजिए, क्योंकि ये डॉर्मेंसी में जाते हैं विंटर्स में, और जैसे कि डॉर्मेंसी में रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं ग्रोथ, तो ये ज़्यादा वाटर कंज्यूम नहीं करेंगे, तो आपको यहाँ एक ध्यान रखना है विंटर्स में। विंटर के बाद ये आते हैं, आएंगे हम स्प्रिंग में, तो स्प्रिंग और ऑटम में ये ग्रो करते हैं, आपको स्प्रिंग और ऑटम में थोड़ा अच्छा पानी देना है, क्योंकि इन्हें ड्राई रखना है, पर बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं रखना है, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप इसे इन्हें ज़्यादा ड्राई रखेंगे तो नीचे से जो लीव्स है ओल्ड लीव्स शेड होना चालू हो जाती है। तो एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा इसके वाटरिंग के रिगार्डिंग, कि अब विंटर में थोड़ा ड्राई छोड़ देते हैं तो थोड़ा चल जाता है, अगर आप स्प्रिंग में भी थोड़ा एक अगर आज पानी देना चाहिए, अगर आप छोड़ भी दिए तो ये चल जाएगा, पर एक चीज़ जब समर में आते हैं तो आप इनको बिल्कुल भी ड्राई मत छोड़िए, आप रेगुलर वाटर करिए, यू डोंट हैव टू स्किप द वाटरिंग। वन ऑफ द रीज़न आई शो यू दैट व्हाई आई एम सेइंग, आप ये देख रहे होंगे ये थर्मोहाइग्रोमीटर है और इसका ह्यूमिडिटी लेवल 77% है, मॉनसून एंटर कर गया है, जून है, यही जो ह्यूमिडिटी है 77% ये 10-20% में गिर जाता है समर्स में। सो वन ऑफ द रीज़न इज़ यू डोंट हैव टू स्किप वाटरिंग इज़ ह्यूमिडिटी रहती नहीं है, मॉइस्चर रहता नहीं है एनवायरनमेंट में, तो प्लांट बहुत ज़्यादा सक कर लेता है ये सॉइल से मॉइस्चर, सो इट अफेक्ट्स प्लांट्स वेरी मच, सो ड्राई एयर चलती है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है समर्स में। तो आप इसकी वाटरिंग समझे होंगे कि समर में क्यों आपको सही वाटर देना है, और जो ह्यूमिडिटी का इशू रहता है यहाँ पे, जैसे यहाँ 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चले जाता है टेम्परेचर, तो वो एक चीज़ होता है कि बहुत ज़्यादा सक कर लेता है मॉइस्चर सॉइल से, और ड्राई एयर भी चलते हैं, तो आपको इस स्टेट में इन्हें बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं रखना है, और स्प्रिंग में या फिर ऑटम में या फिर विंटर्स में थोड़ा ज़्यादा ड्राई भी रख देते हैं तो एक बार चल जाता है, पर समर में नहीं छोड़ना है, क्योंकि प्लांट थोड़े से लीव शेड करना चालू कर देते हैं और अनहेल्दी दिखते हैं, और आपको मज़ा नहीं आएगा देखने में, बहुत कुछ अब एक अपीयरेंस ख़राब होता है, तो उस एक पर्सपेक्टिव है। अगर आप ये चीज़ समझ लिए तो ये ज़्यादातर प्लांट्स के लिए अप्लाई होता है, चाहे वो सॉन्ग ऑफ इंडिया हो या फिर इसके दूसरे स्पीशीज़ हो, तो आप यहाँ ध्यान रख सकते हैं वाटरिंग के रिगार्डिंग। सो दिस वॉज द केयर ऑफ पिंगरेलिया, शेयर इफ़ यू लाइक डेट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।